I can do something special which I am sure none of you can do अब वो कह रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा special कर सकता हूँ जो कि I am sure कि आप में से कोई भी नहीं कर सकता So do you know what I can play the bean अब bean क्या होता है आप अपनी यहाँ पे book में picture में भी देख सकते हो ऑल्सो आई इंसर्टेड हि इस तरह से एक instrument होता है जो कि snakes को dance कराने के लिए या पकड़ने के लिए use किया जाता है So You must be surprised. Yes, I can make snakes dance by playing the bean. तो वो कह रहे हैं मैं snakes को डांस करा सकता हूँ बीन को बजा के You must अच्छा we have done this. I have learned this art from my family members. We people are known as काल बेलिया सो so वो कह रहे हैं कि ये जो आर्ट है ये बीन बजाना जो मैंने सीखा है ये मैंने अपने फैमिली मेंबर से सीखा है एंड हम लोगों को सब काल बेलियाज बोलते हैं ठीक है देन माई ग्रैंड फादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंग आर सो वो कह रहे हैं उसके जो ग्रैंड फादर थे रोशन नाथ जी वो बहुत फेमस थे उन लोगों में ही कुड इजिली कैच मेनी पॉइजनस स्नेक्स ही टेल्स मी मेनी स्टोरीज अबाउट हिस्स पास तो वो कह रहे हैं वो बहुत आसानी से बहुत पॉइजनस जो स्नेक्स होते हैं उनको पकड़ लेते थे एंड ऑल्सो वो कहता है कि वो मुझे अपनी स्टोरी सुनाती है पास से कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स अब वो कहते हैं आओ अब उनकी ही कोई स्टोरी उन्हीं के ही मुंह से या उन्हीं के ही वे में सुनते हैं सो दिस वॉज ऑन पेज वन लेट्स गेट टू दी क्स्ट पेज सुनाओ ऑन पेज नंबर सिक्सटीन दादाजी रिमेंबर जिसने हमें फर्स्ट पेज पे अपने बारे में बताया उसके दादाजी की या उसके ग्रैंडफादर से हम एक स्टोरी सुनते हैं फ्रॉम दी टाइम ऑफ माई ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर वी तो वो कहता है कि मेरे दादाजी और मेरे पर दादाजी वगैरह के टाइम से ही वी आर ऑल सपेरा क्या होते हैं स्नेक चार्मर जो कि हमारे चैप्टर का नेम था ना सो so, स्नेक चार्मर रहे हैं उनकी जो भी फादर थे ग्रैंड फादर थे उनके भी ग्रेट ग्रैंड फादर थे तो वो सब क्या रहे हैं सपेराज रहे हैं मतलब स्नेक चार्मर रहे हैं स्नेक्स हैव हाँ बीन एन पार्ट ऑफ फैमिली अब देखो क्योंकि हर फैमिली मेंबर यही काम करता था तो वो कह रहे हैं जो स्नेक्स थे वो हमारी फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट अगर अगर आपने आपने देखा होगा, तो ये जो snake charmers होते हैं, कभी विटनेस किया हो तो एक बैम्बू की उनके पास बास्केट होती है जिसके अंदर वो स्नेक्स रखते हैं तो वो बोल रहे हम एक जगह से दूसरे जगह एक विलेज से दूसरे वही अपने बैम्बू के जो बास्केट्स है उसको कैरी करते हैं Whenever we We stopped in a village, a village, crowd would would gather around us. We would then take out our snakes from our गैदर तो so, वो क्या करते थे वो कहते जैसे ही हम विलेज पहुंचते थे तो एक क्राउड पूरा इकट्ठा हो जाता था स्नेक्स वगैरह को देखने के लिए फिर हम उसके सेंटर में बैठ के स्नेक्स को बास्केट से निकालते थे बीन की से। बीन बजाते थे और स्नेक डांस करता हुआ उस बास्केट से निकलता था इवन आफ्टर दो पीपल वुड स्टे ऑन द न्यू दैट इन आर टिन बॉक्स देर आर मेनी टाइप ऑफ मेडिसिन फॉर देम अब वो कहता है जब शो खत्म भी हो जाता था वो जो स्नेक डांस करके वो बीन से दिखाते थे इवन आफ्टर दैट शो फिनिश लोग तब भी रुकते थे क्यों रुकते थे क्योंकि लोगों को पता था कि हमारे पास जो टिन बॉक्सेस है उसमें काफी टाइप की मेडिसिन है सो वी मे दीज मेडिसन्स फ्रॉम प्लांट कलेक्टेड फ्रॉम द सो so, वो कहता है हम ये सब मेडिसिन कहाँ से बनाते थे फॉरेस्ट से जो प्लांट्स होते हैं उससे कलेक्ट करके मेडिसिन बनाते थे आई हैड लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंड तो वो कहते हैं मैंने ये सब मेरे अपने ग्रैंड से सीखा है आई I, nice I could दैट आई कुड हेल्प पीपल विद if मेडिसिन इवन इफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वर वो कहते हैं मुझे बहुत खुशी होती है बहुत अच्छा लगता है कि मैं लोगों की हेल्प कर पाता हूँ बिकॉज हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स काफी दूरी पे होते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि वो ऐसे लोगों की हेल्प कर पाता है इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स इन दिस वे वी कुड मैनेज आर लाइफ अब वो कहते हैं अब उसके रिटर्न में लोग हमें कभी फूड ग्रेन्स खाने की चीजें दे जाते थे या फिर उनको पैसे दे के जाते थे जिनसे उनकी लाइफ चलती थी सो समाइम्स आई वॉज कॉल टू प्लेसेस वेयर सम वन हैड बीन बिटिन बाई अ स्नेक फ्रॉम दी मार्क्स ऑफ द बाइट आई ट्राई टू फाइंड आउट विथ स्नेक हैड बिटिन द पर्सन अब वो कह रहे हैं कभी कभी उनको बुलाया जाता था अगर किसी को कोई स्नेक बाइट कर देता था तो उनको बुलाया जाता था ताकि वो उनको ठीक कर सके तो वो कहता है कि जैसे जब जहाँ भी स्नेक बाइट होती है वहाँ पे स्नेक के टीथ के निशान होते हैं तो वो उससे टीथ के जो मार्क्स होते हैं उससे जज करते हैं कि कौन से स्नेक ने बाइट किया है देन I would then give a medicine for that. और फिर जब उसे वो रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि कौन सी स्नैक ने बाइक किया, तो फिर वो उसी तरह से उनको मेडिसिन देते हैं। Then, as you know, some snake bite can even cause death on the spot. Sorry, I have missed one line. But I have not always been on time to help. As you know, some snake bites can even cause death on the spot. बट मोस्ट ऑफ दी स्नैक्स आर नॉट पॉइजनस अब वो कह रहे हैं कभी कभी मैं भी नहीं जगह पे पहुंच पाता बिकॉज आपको पता है कुछ स्नैक्स इतने पॉइजनस होते हैं कि वो अगर बाइट कर ले तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है तो वो कह रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भी टाइम पे नहीं पहुंच पाता एंड द पर्सन इज ऑलरेडी डेड लेकिन वो आगे कहते सभी हैं सभी स्नेक्स जो है वो पॉइजनस नहीं होते समाइम्स वेन सम फार्मर्स विकम रनिंग फॉर

ना ओ दो वर द गुड डेज वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज सो वो कहते हैं कि वो दिन बहुत अच्छे थे क्योंकि हम लोगों को हेल्प कर पाते थे अलग अलग तरीके से वी ऑल्सो एंटरटेन दैम इट वॉज नॉट लाइक टू डे वन एवरी वन वॉच इज़ टी वी फॉर एंटरटेनमेंट तो वो बोलते हैं कि उस टाइम पर हम लोगों को एंटरटेन भी कर पाते थे बिकॉज वो जो टाइम था आज के टाइम की तरह नहीं है जब सब टी वी वगैरह देख के अपना एंटरटेनमेंट कर लेते हैं वेन आई ग्रू older, माई फादर टॉट मी हाउ टू रिमूव their पॉइजनस टीथ विच इज bracket में गिवन ए फैंस तो वो कहता है कि जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे फादर ने मुझे सिखाया कि स्नेक्स के जो पॉइजनस जो टीथ होते हैं बेसिकली वो कैसे निकाले जाते हैं और स्नेक के जो टीथ होते हैं उसको क्या कहते हैं Pants, कहते हैं। पॉइजन इन माउथ फिर वो कहते हैं उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि स्नेक के जो माउथ में पॉइजन की ट्यूब होती है उसको कैसे बंद किया जाता है नाउ वी हैव एन एक्सरसाइज टू डू थिंक एंड टेन सबसे पहला क्वेश्चन है have you ever seen anyone प्लेइंग अन वेर सो क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है आपने कभी देखा है किसी को बीन बजाते हुए आई हैव सीन अटेंड माई चाइल्डहुड हमारा जो घर होता था उसके आस पास बहुत बार ऐसा होता था दिन के टाइम में आते थे स्नेक चार्मर्स एंड अगेन वो एक जगह बैठते थे क्राउड इकट्ठा हो जाता था एंड ही यूज टू प्ले दी बीन एंड देन वो द स्नेक यूज टू डांस बट उस टाइम पे उसे देख के बहुत डर लगता था ऐसा लगता था कि अगर ये हमारे पास आ गया तो क्या होगा ठीक है सो आई डोंट नो आपने देखा होगा या नहीं प्लीज डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपने कभी एक्सपीरियंस किया है या नहीं ऑल्सो यू हैव टू राइट इट हियर सो अगर आपने देखा है सो यू कैन मैंशन येस आई हैव सीन इट नियर माई हाउस और वेर एवर यू हैव सीन देन हैव यू हैवर सीन अ स्नेक वेयर सो वो पूछ रहे हैं आपने कभी स्नेक देखा है और अगर देखा है तो कहाँ सो so अगेन या तो ऐसे ही कोई स्नेक चाम आया होगा उसके पास देख सकते हो या अगर आप जू वगैरह गए हो वहां पे देखा हो आपने अदरवाइज आपने कभी दैट इज द लीस्ट पॉसिबल केस कभी कभी घर में भी छोटे छोटे से सांप निकल जाते हैं वॉशरूम वगैरह में सो अगर इफ दैट हैज बीन अ केस तो डू मैंशन दैट तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आपने कहा देखा है ऑल्सो अगर आप फील्ड वगैरह में कभी गए होगे जो पैडी फील्ड वगैरह होते हैं तो वहां पर भी स्नेक्स देखने को मिल जाते हैं सो so, अगर हम स्नेक देखेंगे तो हमें डर ही लगेगा बिकॉज वी नो कि वो पॉइजनस होते हैं और डर लगता है कहीं वो हमें बाइट ना कर ले है ना देन डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस अब आपको लगता है कि सारी स्नेक पॉइजनस होते हैं No, this is not true. सारी स्नेक्स नहीं होते But the problem is हमें नहीं पता स्नेक को देखे की यह पॉइजनस होगा कि नहीं है ना देन इन चैप्टर वन यू रीड दैट स्नेक्स डू नॉट हैन सी कैन द स्नेक हिस्टर द बीन और डेज एट डांस वेन द बीन मूवस वो डू यू थिंक नाउ अगर आपको याद होगा सुपर सेंसेस जब हम करते तो वहां पे हमने देखा था स्नेक्स के हमें नहीं दिखते सो so, अब वो पूछ रहे हैं कि जो स्नेक डांस करता है बीन पे तो वो उसकी साउंड पे डांस करता है या उसके मूवमेंट पे तो अगर आपने कभी देखा होगा जो भी ये स्नेक चार्मर्स होते हैं वेन दे प्ले दी बीन सो so वो उस बीन को साथ साथ ऐसे या इस किसी भी डायरेक्शन में घुमाते रहते हैं तो स्नेक्स क्या करते जिस तरह से बीन मूव करती है स्नेक उसी तरह से मूव करते हुए डांस करते हैं तो दैट इवन इफ दे कांटर वो उस मूवमेंट के साथ डांस कर पाते हैं देन वॉट कैन वी डू नेक्स्ट है हमारे पास आर्यनाथ योर फादर यूज टू ट्रेवल विद मी एवर सिंस ही वॉज अ यंग चाइल्ड सो वो बोलते हैं कि अपने ग्रैंड फादर जो स्टोरी सुना रहे हैं वो अपने ग्रैंड चाइल्ड को आर्यनाथ जो पेज नंबर फिफ्टीन पे जिसने हमें स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन दिया था तो वो उसको बोलते हैं कि योर फादर यूज टू ट्रेवल विद मी एवर सिंस ही अ यंग चाइल्ड तो वो कहते हैं तुम्हारे फादर जब छोटे से बच्चे थे तब से वो मेरे साथ ट्रैवल कर रही है ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बींग टॉट और वो कहते हैं उनको किसी ने सिखाया नहीं द बीन कैसे बजानी है बस वो बचपन से मेरे साथ जाते थे और उनको खुद ही बीन बजानी आ गई थी दीज डेज दीज डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट नाउ दी गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप दैम अब वो कह रहे हैं लेकिन आज कल के टाइम में आपने भी नोटिस किया होगा आज कल ऐसे गलियों में स्नेक चावर्स नहीं आते सो वो कह रहे हैं आजकल के टाइम में ये मुश्किल हो गया है बिकॉज गवर्नमेंट ने ये लॉ बना दिया है कि कोई भी वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ के अपने पास नहीं रख सकता सो so, सम पीपल किल दी एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन एट हाई प्राइसिस ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया क्योंकि लोग क्या करते हैं ऐसे स्नेक्स चार बीन बजानी आती है तो वो कभी भी जाएगा जहां उसे आइडिया हो कि स्नेक्स होते हो बीन बजा के स्नेक्स को पकड़ लेगा एंड देन उसकी स्किन को सेल कर सकता है तो ऐसा ना हो इसीलिए गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया कि कोई भी वाइल्ड एनिमल को पकड़ के नहीं रख सकता सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस इसीलिए उन्होंने लॉ बनाया नाउ विद दिस लॉ हाउ लॉन्ग हाउ विल वी अर्न आर लेवलीहुड अब वो कह रहे हैं इस लॉ जी जो लॉ बन गया है इसके बाद जो लोग अब इनका अर्निंग सोर्स ही यही था वो या तो स्नेक्स को कैच करते थे या ऐसे ही जगह जगह जाके जो ये बीन बजा के स्नेक का डांस दिखाते थे वही उनका अर्निंग सोर्स था वो कहते इस लॉ के बाद हम अपनी लेवलीहुड कैसे अर्न करेंगे वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक एंड सोल्ड दियर स्किन पीपल से दैट वी कीप दी स्ने स्नेक्स इन बैड कंडीशन सो so, वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने कभी स्नेक्स को नहीं मारा लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोग स्नेक्स को गलत कंडीशन में रखते हैं अब इसके आगे का नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं सो लेट्स गेट टू पेज नंबर 18. So guys, this was the end of part number one. इसके आगे के पेजेस हम पार्ट नंबर टू में कंटिन्यू करेंगे जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो आई सी यू अगेन इन दी नेक्स्ट सेशन टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय